आइसलैंड, आग और बर्फ की जमीन। मगर मुझसे पूछिए तो एक और चीज की जमीन भी है, और वो है वाटरफॉल्स। यहाँ पे आपको अलग अलग किस्म के वाटरफॉल्स देखने को मिलेंगे, कुछ ऊंचे, कुछ नीचे, कुछ चौड़े, कुछ तंग, मगर जो भी कहिए, जियोलॉजिकल वंडर्स से भरा हुआ ये कंट्री है। तो आइए इस कंट्री को एक एक करके रेक्याविक से लेकर स्नेफल्स नेस्ट पेनिनसुला से लेकर वेस्ट फ्योर्ड से लेकर ट्रोल पेनिनसुला से लेकर नॉर्थ आइसलैंड से लेकर ईस्ट आइसलैंड से लेकर ईस्ट फ्योर्ड से लेकर साउथ ईस्ट आइसलैंड से लेकर साउथ आइसलैंड से लेकर वापस रेक्याविक तक देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो इस ट्रिप की शुरुआत भी एयरपोर्ट से हुई, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली से, और मेरे पास वर्जिन अटलांटिक की लंदन की टिकट थी, और थैंकफुली इस बार प्रीमियम इकोनॉमी की टिकट थी। प्रीमियम इकोनॉमी कैबिन काफ़ी छोटी थी, नाइट फ्लाइट थी, और बिना किसी इवेंट के ख़त्म हो गई। आइसलैंड की सबसे कन्वीनियंट फ़्लाइट्स यूरोप से होकर जाती हैं, पर क्योंकि मेरे पास वीज़ा की प्रॉब्लम नहीं थी इसलिए मैंने फ़्लाइट ली लंदन की, और ये सेपरेट फ़्लाइट्स थी जिसमें टर्मिनल चेंज करना पड़ता। लंदन में मेरे को एयरपोर्ट चेंज करना पड़ा, और क्योंकि मेरे पास वीज़ा की प्रॉब्लम नहीं थी इसलिए प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं टर्मिनल 3 से टर्मिनल 2 पे चला गया, वहाँ पे चेक इन करके, और मेरे पास 2-3 घंटे थे फिर इस आइसलैंड एयर के एयरक्राफ्ट को बोर्ड करना था। इस एयरक्राफ्ट को मैंने बोर्ड कर लिया, और जो इसकी क्लिनलीनेस थी अंदर से काफ़ी सही थी, अच्छी थी, मगर इंडिया के इंडिगो की तरह ये एक लो कॉस्ट एयरलाइन है, तो इसमें कोई ज़्यादा फ्रिल्स आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। अगर आप कोई मील खाना चाहते हैं तो आपको ऑर्डर करना पड़ेगा, ख़रीदना पड़ेगा, जैसे कि ये पिज़्ज़ा और कोक, और ये ज़्यादा सस्ता नहीं था। लंदन से रेक्याविक आइसलैंड की फ़्लाइट काफ़ी छोटी है, और 2.5 घंटे में आप वहाँ पहुँच जाएंगे। पहुँचने के बाद माहौल कुछ अलग सा ही होता है, ठंड फील होनी शुरू हो जाती है, ज़्यादातर लोग अपनी जैकेट्स निकाल लेते हैं, और आप टारमैक पर ही एग्जिट करते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इन्होंने जगह जगह पे बसेस भी खड़ी की हुई हैं, और कुछ परमानेंट एरो ब्रिजेस बनाए हुए हैं जो कि आपको रेन में, स्नो में प्रोटेक्ट करते हैं, कुछ इस तरह। एयरपोर्ट काफ़ी छोटा बट वेल ऑर्गेनाइज्ड है, और आपको यहाँ पे ज़रा भी तकलीफ नहीं होगी, मगर आपके कोरोना के डॉक्यूमेंट्स एग्जिट के जस्ट पहले बहुत अच्छी तरह चेक किए जाएंगे। अब इसके बाद बारी आती है रेंटल कार पिक करने की, और रेंटल कार यहाँ आइसलैंड में घूमने का सबसे आसान तरीका है। मैंने ये सुजुकी जिमनी 13 दिन के लिए रेंट की थी, और ज़रूरी था कि मैं इसकी चारों तरफ से फ़ोटोज़, पिक्चर्स वगैरह ले लूँ। खैर, गाड़ी लेने के बाद मैं सीधा गया रेक्याविक, यहाँ का कैपिटल सिटी, और आप सोच के देखिए, यहाँ की पूरे देश की आबादी है 3,57,000, जिसमें से 80% लोग इस सिटी में रहते हैं, और सारी पॉपुलेशन यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है। यहाँ पे आपको सारे बड़े स्टोर्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे रात का स्टे मैंने किया होटल होल्ट में, जो कि ना ज़्यादा महंगा ना ज़्यादा सस्ता है, 4-स्टार होटल है, एक बुटीक प्रॉपर्टी है, और ये आप कमरा देख सकते हैं जो मैंने रेंट किया। ऑल्दो मैंने सिंगल रूम बुक किया था, उन्होंने मेरे को फ्री अपग्रेड दे दिया डबल रूम में। और यहाँ पे आपको एक छोटा सा बाथरूम मिल जाता है, जिसमें कि शावर एरिया कर्टन के साथ है। और यहाँ के बाथरूम्स के बारे में एक फैक्ट ये है कि सल्फ़र की स्मेल आती है ज़्यादातर जब आप नहाएं, बट थैंकफुली जिन भी होटल्स में मैं रहा, पानी में सल्फ़र की स्मेल बिल्कुल नहीं थी। ये देखिए, यहाँ पे स्टोरेज एरिया भी है, और अच्छे होटल्स में आपको पासपोर्ट वगैरह रखने के लिए सेफ भी मिलता है। अब शाम का वक्त था तो मैं टहलने के लिए निकला, और ये है रेक्याविक का चर्च, प्रोबेबली यहाँ का सबसे फेमस और सबसे वेल नोन टूरिस्ट अट्रैक्शन। और इसको आप दिन में अगर देखते हैं तो इसके टॉप में जाकर आप व्यू ले सकते हैं पूरे पूरे सिटी की, पूरे सिटी का पैनोरामा आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप रेक्याविक आएँ तो यहाँ तो आना बनता ही है। और इसके आसपास कन्वीनियंस स्टोर्स भी हैं जो कि रात के 11 बजे तक खुले होते हैं। इनकी प्राइसेस बाकी सुपरमार्केट से तो महंगी हैं, मगर अगर आप लेट पहुँचते हैं तो आप यहाँ से कुछ खरीद सकते हैं। Thank you.
एक दो फ्रेंडली बिल्ली भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। खैर एक बात का ध्यान रहे कि रेक्यावेक सिटी वैसे तो यहाँ का कैपिटल है, मगर और देशों के कंपैरिजन में ये भी कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है। तो यहाँ पे एक लिमिटेड नंबर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, और अगर आपके पास एक या दो दिन हैं आप पूरे मेन मेन अट्रैक्शंस को यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। मगर जो भी यहाँ पे आता है वो रेक्यावेक को बेस बनाकर वहाँ से बाहर की ट्रिप्स लेता है, तो वो या तो गोल्डन सर्कल करते हैं अगर उनके पास दो तीन दिन होते हैं, या फिर वो जाते हैं रिंग रोड की ट्रिप पे। इसके बाद आप जा सकते हैं हार्बर पे, जहाँ पे आपको सन वॉयेजर नाम का ये एक बहुत ही फेमस सिंबल ऑफ रेक्यावेक मिलेगा। तो इसके बाद बुटीक होटल होल्ट में मैं वापस आ गया, और यहाँ की लिफ्ट देखिए, लिफ्ट के हर फ्लोर पे दरवाज़ा अलग अलग है, तो लिफ्ट इटसेल्फ का दरवाज़ा नहीं है, हर फ्लोर का एक दरवाज़ा है, और उस फ्लोर के दरवाजे को आप बंद करते हैं और बिना दरवाजे की ये लिफ्ट ऊपर या नीचे जाती है। खैर आज का लंबा दिन यहीं ख़त्म हुआ, दो दो लंबी फ्लाइट्स लेने के बाद अब रेस्ट करना ही सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ लग रही थी, और दिन ख़त्म हुआ। आइसलैंड में खाना बहुत महंगा है, इसलिए होटल के साथ ब्रेकफास्ट बुक करना बहुत ज़रूरी है, और होटल होल्ट का ब्रेकफास्ट काफ़ी अच्छा था, स्प्रेड काफ़ी अच्छा था, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फर्मेंटेड फिश वगैरह आपको हर जगह मिलेगी, साथ में फ्रेश फ्रूट्स, सीरियल और यूजुअल आपकी ब्रेड कॉफ़ी वगैरह, कॉफ़ी भी काफ़ी फ्रेश थी, और इसके बाद दिन की शुरुआत अच्छी हो सकती है। तो अब रोड ट्रिप सही मायने में शुरू होने वाली थी, तो मैंने ये पूरा अपने आप को रिचार्ज करके ब्रेकफास्ट करके मैं निकला बाहर को, और मैंने देखा कि पार्किंग लॉट में कुछ मॉन्स्टर ट्रक्स खड़े हैं, जैसे कि ये लैंड क्रूज़र, और इसके सामने तो हमारी जिमनी बिल्कुल ही छोटी लगेगी। खैर होटल होल्ट में एक और अच्छी बात थी कि यहाँ की पार्किंग फ्री थी, तो ये थी अपनी जिमनी जिसने मेरे को अगले 4000 किलोमीटर और 13 दिन या 14 दिन तक पूरे पूरे आइसलैंड की सैर करानी थी। मगर इसके बाद मैंने सोचा कि अगर ये गाड़ी मेरी होती तो मैं क्या करता, और आंसर मुझे आसपास के पार्किंग लॉट में ही मिल गया। ये देखिए किस तरह से इसका सस्पेंशन रेज कर रखा है। तो आज की ड्राइव हमें लेके जाएगी स्नेफेल्स नेस पेनिनसुला में, और ये कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, ये एक पेनिनसुला है जो कि रेक्यावेक सिटी के विद इन 2-3 घंटे की ड्राइव में ही आप पहुँच सकते हैं। तो आप केफलाविक से थोड़ा सा नॉर्थ ड्राइव करते हैं रेक्यावेक, और रेक्यावेक से बोरगार्नेस होते हुए आप जाएंगे स्नेफेल्स नेस पेनिनसुला में। तो रेक्यावेक, गोल्डन सर्कल और रिंग रोड के बाद ये सबसे पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। स्नेफेल्स नेस पेनिनसुला की खास बात यह है कि यहाँ पे आपको आइसलैंड इन समरी मिल जाता है, यानी कि आइसलैंड की जो मेन मेन चीज़ें हैं, जियोलॉजिकल वंडर्स हैं, आपको सारी इस पेनिनसुला में मिल सकती हैं। तो अगर आप बहुत दूर नहीं जाना चाहते, आपके पास दिनों की कमी है, तो ये एक बहुत पॉपुलर और अच्छी जगह है वेरीड चीज़ें देखने के लिए। यहाँ पे आपको वाटरफॉल भी मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको माउंटेंस भी मिल जाएंगे, और ये देखिए आइसलैंडिक हॉर्सेस आपको ज़रूर मिल जाएंगे, और आइसलैंडिक हॉर्सेस शाय नहीं होते, जैसे ही आप गाड़ी से उतर कर जाएंगे ये आपकी तरफ चलने लग जाएंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, और आप चाहें तो इनको पैट भी कर सकते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनकी जो आइसलैंडिक हॉर्सेस की ब्रीड को आइसलैंड के लोग इतना प्योर रखना चाहते हैं कि ये बाहर से हॉर्स से रिलेटेड कोई भी आइटम किसी को लाने नहीं देते, यहाँ तक कि जो एक्सपीरियंस्ड हॉर्स राइडर्स हैं वो अपना राइडिंग गियर या सैडल भी बाहर से नहीं ला सकते, ताकि इनकी जो जेनेटिक्स हैं वो किसी भी तरह चेंज ना हो। तो ये एक बहुत ख़ास बात है, जो इनकी जीनियोलॉजी है, ये हॉर्सेस कम्प्लीटली प्योर आइसलैंडिक ब्रीड हैं। और ये देखिए आपके कैसे पास आके खड़े हो जाते हैं, और मैंने ज़्यादा देर नहीं लगाई इनको थोड़ा सा पैट करने में, और फिर उसके बाद इन भाई साहब ने तो मेरे को पोज भी करके दिखाया, तो इसकी 2-3 अच्छी फ़ोटोज़ भी मैं खींच पाया, और रोड के आप देख सकते हैं बिल्कुल साथ में ही ये मुझे मिल गए थे,
तो मैंने एक पार्किंग स्पॉट ढूंढा और इनके साथ एक छोटा सा वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी सेशन शुरू कर लिया। खैर आइए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे आप सी की तरफ जाते जाएंगे, यानी इनलैंड से बाहर टुवर्ड्स द सी जाते जाएंगे, यहाँ की जो सीनरी है और ज़्यादा ड्रामेटिक होती जाएगी। अब काफ़ी कुछ इस पे डिपेंड करेगा कि आप कौन से महीने में स्नेफल्स नेस्ट पेनिनसुला जा रहे हैं। समर में ये काफ़ी बिजी हो जाता है और आगे आगे आपको साइंस नज़र आएंगे जो कि ये दिखाता है कि कितना पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इवन दो ये मेन टूरिस्ट सर्किट में नहीं पड़ता। यानी कि ये थोड़ा सा ऑफ बीट है, इतना ऑफ बीट भी नहीं है, मगर काफ़ी लोग यहाँ पर फिर भी जाते हैं। अब आपको यहाँ पे आप थोड़ा सा आप आगे चलेंगे तो एक N1 पेट्रोल पंप के साथ यहाँ पे एक टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर मिलेगा जो कि मस्ट विज़िट है। यहाँ के जो स्टाफ हैं बहुत ही हेल्पफुल हैं और आपको कोई भी क्वेरी आंसर करके देंगे। आपको क्या क्या देखना चाहिए, इनके पास एक बड़ा टच स्क्रीन है, उसके ऊपर ये आपको सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। आप यहाँ पे वॉशरूम्स भी यूज़ कर सकते हैं और रिफ्रेशमेंट्स और सुवेनियर्स भी खरीद सकते हैं। Rentafenos, small festivals, swimming pool, restaurant, and also you go kayak and panitos. And the other happen is a shark machine. Okay. You can taste shark and see how the shark goes. You can taste it as well. I was just watching a video. Yeah, over there. So you have to be brave to taste some shark, I think. Yeah, the stomach for it. Yeah, it's true. Because of the taste. Yeah, steak is from a small several place, swimming pool, restaurant. Also, you can take a boat and see the bird life in the island. And also, the ferry goes from here to Flatte and also to Westfjord and right. back same day. Okay. This will take you all 3 hours drive. Yeah. So just a quick question, to get to Westfjords, is it better to drive or take the ferry? Isn't it up to you? If you're tired of driving, then take the ferry. Ferry because takes 3 hours or? Yes, 3 hours. One, from 3 o'clock, four. So is it like a big ship or do they have like? Yeah, it's like, see, right here. Awesome. Yes, it's like this. Okay. So they have like maybe a cafe or something as well. Yeah, right? And also you can drive the car inside. Right. Yeah. Okay. All right. Well, thank you so much. Yes, thank that you was for really informative. That's good. And I also have a map for you right here. Yeah, I'll have one. Can you show me the one waterfall again? That was the big one. Here's a short preview of the Snæfells Nes Peninsula. We're somewhere over here in this area, and I plan to go to Budir and then drive around and stay perhaps here or preferably in Stykkishólmur. तो मैंने आपसे कहा था कि ये Snæfells Nes Peninsula एक काफी popular tourist spot है। तो यहाँ का एक सबूत इससे भी लिया जा सकता है कि यहाँ पे स्पीडर्स को पकड़ने के लिए बहुत पुलिस प्रेजेंस है। जैसे कि आप ये दो डिस्कवरीज देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत सारी पुलिस की डिस्कवरीज अलग अलग जगह पे स्टेक आउट करती हुई और पेट्रोलिंग करती हुई दिखेंगी। तो अगर आपका स्पीडिंग का ज़रा सा भी ख्याल था तो यहाँ पे Snæfells Nes Peninsula में ये बिल्कुल मत कीजिए। अब थोड़ा सा आगे चल के एक जगह आती है बुडीर, और वहाँ के लिए आपको लेफ़्ट टर्न लेना पड़ता है Snæfells Nes की मेन रोड से। और यहाँ पे एक बहुत फेमस होटल है जिसका नाम है होटल बुडीर। और होटल बुडीर वैसे तो बहुत एक्सपेंसिव है, मगर इसकी लोकेशन कमाल की है। सी साइड पे अलग से ये बना हुआ है और इसके रूम्स बहुत अच्छे हैं और इसका खाना बहुत फेमस है। अगर आपका बजट अलाउ करे तो आप यहाँ ज़रूर रह सकते हैं। मेरा तो खैर बजट इसके लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं था, क्योंकि मैं मोस्टली लास्ट मिनट बुकिंग कर रहा था और इन्होंने लंच के लिए भी अपना रेस्टोरेंट खोला नहीं था, ये सिर्फ डिनर के लिए खोला था। तो खैर मैंने अपनी गाड़ी पार्क की और मैंने एक छोटा सा इनका टूर ज़रूर लिया, और आप देख सकते हैं कितनी सीनिक लोकेशन में ये है।
Lovely. Is your restaurant open for dinner? Yes, but we do have tables available at any time. Okay, so book for that. I've seen a lot of reviews, it really looks nice. Beautiful location. I'm not sure I'll be here. I'm doing like a survey. Then you let us know if you want. I've got the number, so I'll call you. Can I have a look quickly? Please do so. Thank yeah. you. Thank you so much. होटल बुडीर विजिट करने के बाद एकदम से यू टर्न मत लीजिए, थोड़ा सा आगे आएंगे तो एक बुडीर चर्च है यहाँ पे जो कि 1848 का बना हुआ है और बहुत ही पिक्चरस्क इंस्टाग्राम लोकेशन है। आप चाहें तो इस फ्रेम में अपनी पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं और ये भी एक मस्ट विजिट है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ वॉकिंग ट्रेल्स भी हैं। खैर अब तक आपको भूख तो लग गई होगी और होटल बुडीर में कुछ खाने को नहीं मिला तो आप अर्नार स्टापी नाम के एक छोटे से टाउन में आ सकते हैं जहाँ ये फिश चिप्स और पिज्जेरिया है। और एज द नेम सजेस्ट फिश चिप्स और पिज्ज़ा यहाँ पे मिलता है। मैंने यहाँ का पेपरोनी पिज्ज़ा ट्राई किया जो कि काफ़ी टेस्टी था। इसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक बहुत ही कमाल का टेरेन नज़र आएगा। ब्लैक वॉल्केनिक रॉक्स हैं जो कि मॉस से कवर्ड हैं और ये आपको सिर्फ आइसलैंड में ही देखने को मिलेंगी या थोड़ा बहुत नॉर्थ स्कॉटलैंड में। तो बहुत ही स्टनिंग टेरेन में से आप गुजरेंगे। इसके बाद मैंने एक साइन देखा मालारिफ लाइट हाउस का और मुझे लाइट हाउसेस का बहुत शौक है तो मैंने गाड़ी को यू टर्न लिया और वापस से मैं इस रॉक फॉर्मेशन को देखता हुआ लाइट हाउस की तरफ बढ़ गया। तो जी एक चीज़ जो मुझे बहुत पसंद है वो हैं लाइट हाउसेस और अब आपको दिखाता हूँ एक बहुत ही सुंदर लाइट हाउस जो कि मैं अपनी इस जिमनी में पहुँचा हूँ। ये देखिए इन द मिडल ऑफ नोवेयर रास्ता है ये स्नेफेल्स नेस्ट पेनिनसुला आइसलैंड में। तो आइए इसकी तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह का दिखता है। तो एक थोड़ी सी वॉक है और थोड़ा सा इसकी निकॉन Z6 की वेदर टेस्टिंग भी हो जाएगी क्योंकि हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो रही है, बारिश हो रही है। तो देखते हैं ये कैसा बिहेव करता है। प्लस जो रोड का वायरलेस गो 2 माइक है उसका भी पता लग जाएगा कि वो कैसा बिहेव करता है। अभी मेरा प्लान इसके बाद एक ब्लैक सैंड बीच पे जाने का भी है जो यहीं पास में है। तो देखते हैं अभी इसका रास्ता देखते हैं कितनी दूर है। अगर ज़्यादा दूर है तो नहीं जाएंगे और अगर पास ही में है तो चले जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि क्या सुंदर नज़ारा है और उधर खड़ी है जिमनी, पीछे पहाड़ है बादलों में घिरा हुआ। इधर ये बहुत ही सुंदर रॉक फॉर्मेशन है, लगता है लाइट हाउस कीपर्स या यहाँ के कोई मेंटेनेंस वालों की गाड़ियाँ हैं। तो अब हम काफी पास पहुंच चुके हैं इस लाइट हाउस के। और इधर देखिए सी की आवाज आएगी आपको। बिल्कुल प्रिस्टीन वाइट लाइट हाउस है ये। तो आप देख रहे हैं ये एक बीकन ऑफ होप है। पहले इनकी कितनी इंपॉर्टेंस हुआ करती थी पुराने जमाने में, जब शिप्स को पूरे लोनली शिप को पूरे पूरे सी में एक बीकन ऑफ लाइट दिखता था, वो था ये लाइट हाउस। और उधर है पूरा नॉर्थ अटलांटिक ओशन और आर्कटिक सी। रियली रियली ब्यूटीफुल प्लेस। एंड आई डोंट नो इफ यू कैन सी बट वो देखिए उधर है जिमनी दूर खड़ी है। अब दिन की लास्ट डेस्टिनेशन थी यूपलन संतूर बीच। ये एक ब्लैक सैंड बीच है और मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि
समर टाइम में बहुत बिजी होगा। खैर इस टाइम पे यहाँ पे बिल्कुल कोई भी नहीं था, एक गाड़ी जाते हुए दिखी थी और उसके अलावा ये छोटा सा फॉक्स घूमता हुआ मुझे नज़र आया। और यहाँ पे बहुत अच्छा वुडन पाथवे बनाया हुआ है और उससे आगे जाके आपको बीच का व्यू नज़र आता है। अगर आप यहाँ पे दिन के टाइम पे आते हैं और बीच पे नीचे जाते हैं तो यहाँ पे एक 1948 का ब्रिटिश शिपरेक भी आपको देखने को मिल सकता है या उसके कुछ फ्रैगमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे। खैर यहाँ पे आ पाना और इतने एकांत में इस ब्यूटीफुल से बीच को एक्सपीरियंस कर पाना जबकि यहाँ पे एक भी सिंगल टूरिस्ट ना हो, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक बहुत ही लकी मानता हूँ मैं अपने आप को इस मामले में। खैर जैसे जैसे सूरज ढल रहा था अब मेरी थॉट्स अपने होटल की तरफ थी, या यूं कहिए होम स्टे, क्योंकि ये गमला रिफ नाम का एक शेयर्ड अकोमोडेशन में आज रात को मैं रुकने वाला था। यहाँ पे सिंगल बेड था और सोना की तरह वुडन इंटीरियर्स थे, आप देख सकते हैं पूरी तरह वुडन हैं ताकि यहाँ आइसलैंड की सर्दी में ये आपको वार्म रख सकें। और यहाँ पे चार कमरे थे मगर बाथरूम शेयर्ड था। आइसलैंड में इस तरह की अकोमोडेशन बहुत कॉमन है और ये काफ़ी अफोर्डेबल भी पड़ती है। ये है समापन एपिसोड 1 का, मगर अगले एपिसोड में ज़रूर मुझसे जुड़िए क्योंकि अभी स्नेफल्स नेस्ट पेनिनसुला का सबसे मेन अट्रैक्शन कर्क्यूफेल माउंटेन वाटरफॉल और यहाँ का शार्क म्यूज़ियम देखना बाकी है। उसके बाद हम यहाँ से जाएंगे वेस्ट फ्योर्ड्स की तरफ जो कि आइसलैंड का सबसे लेस एक्सप्लोर्ड रीजन है मगर शायद सबसे बेस्ट कैप सीक्रेट भी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले एपिसोड में।